आज आपने देखा होगा कंपनियां बड़े बड़े प्राइस रखती हैं, इतने टिकट बेच दो प्राइस, ये कर दो प्राइस। मैंने भी प्राइस रखा, टेस्टिमोनियल प्राइस, कि टेस्टिमोनियल भेजो पूरे भारत से, जो सबसे अच्छे और सबसे ज्यादा भेजेगा उसको प्राइस दूंगा। ये हिम्मत करने वाली कंपनी एसलीपीएससी बनी, टेस्टिमोनियल पे प्राइस। लोग ठीक हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये जानने के लिए मैंने प्राइस रखा। तो सबसे पहले मैं उन प्राइस की घोषणा करता हूं, फिर आज आपके लिए कुछ खास प्रोडक्ट भी लॉन्च करके जाऊंगा। प्राइस लगाओ, पूरे हिंदुस्तान को पता चलना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने बेस्ट टेस्टिमोनियल बना बना के भेजे अपने कस्टमर्स के। फर्स्ट प्राइस जाता है iPhone 13, iPhone 13। देखो लोग बेचने पे देते हैं, माल निकालती है कंपनियां प्राइस के चक्कर में। और मैं कहता हूं जिनको प्रोडक्ट दिया उनका वीडियो बना के ला, फायदा हुआ कि नहीं हुआ। पहला प्राइस राकेश प्रजापति iPhone 13, सेकंड प्राइस सुरेश एच मोरवडिया iPhone 12, थर्ड प्राइस चंदन सिंह LED MI ब्रांड, फोर्थ रिंकू सिन्हा Samsung Galaxy S20, फिफ्थ प्राइस मनोज धोटे, सिक्स प्राइस रवि सिंह, सेवन सुनील प्रजापति, एट कृष्णा किशवार और नोवा प्राइस सूरज राजभर। ये हिंदुस्तान के हमारे वो फाइटर्स हैं जो प्रोडक्ट देते हैं और लोगों के पास जाके उनके रिजल्ट पूछ के हमेशा टेस्टिमोनियल बनाते हैं, सबसे ज्यादा टेस्टिमोनियल बनाते हैं। थैंक यू सो मच। क्या टारगेट क्या चल रहा है अभी? आवाज नहीं आ रही यार। एनिवर्सरी वाले दिन ऐसी आवाज निकालोगे? एसलीपीएस महोत्सव पे ऐसी आवाज निकालोगे? कौन सा टारगेट चल रहा है? कौन सा टारगेट चल रहा है? 30 दिसंबर तक क्या करेंगे? ऐसे बोलो, मैं बोलूंगा 30 दिसंबर तक क्या करेंगे? क्रूज करेंगे, क्रूज करेंगे, क्रूज करेंगे। 30 दिसंबर तक क्या करेंगे? 30 दिसंबर तक क्या करेंगे? अपना बुक हो चुका है 15 जनवरी पर्सनल क्रूज फॉर ओनली एसलीपीएस फाइटर्स, बाहरी आदमी की नो एंट्री। बाहर के लोगों की एंट्री नहीं चाहिए, कितने पैसे लेके आए। ओनली एसलीपीएस फाइटर्स का क्रूज बुक हो चुका है, तो 15 जनवरी का क्रूज करना है। अगर आपने क्रूज किया, बात यह नहीं है आपने टारगेट जीता है, बात यह कि आपको जीतने की आदत पड़ जाएगी। अब मैं आपके लिए कुछ प्रोडक्ट लेके आया हूं, करूं बहुत इंतजार था पूरे हिंदुस्तान को। अब यार देखो ऐसा है, मैं हर बार बताता हूं, प्रोडक्ट तो मैं दुनिया भर के ला सकता हूं, लोग ला ही रहे हैं। किसी के 600 की रेंज है, किसी की 800 की रेंज है, किसी की 1500 की रेंज है, किसी की 2000 की रेंज है। मैं भी ला सकता हूं, लेकिन मुझे उन प्रोडक्टों पर भरोसा नहीं। किसी और से लेके हमारी कंपनी प्रोडक्ट नहीं बनाती, हमारी कंपनी खुद के प्रोडक्ट खुद बनाती है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप खुद का है। 1 अरब रुपए का आपको डोनेट करूंगा, 1 अरब रुपए का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप आपको अगले साल इसी दिन देके जाऊंगा, इसी दिन दूंगा 9 नवंबर को, 1 अरब रुपए का। क्योंकि अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है तभी रिजल्ट आता है, बाहर से प्रोडक्ट हम लोग नहीं ले सकते, हमें आदत नहीं है। उसे कहते हैं क्या कहते हैं उसे, ट्रेडिंग। इधर से लिया, इधर को दिया, बीच में अपना भी लिया और लोगों को भी दिया। 99% लोग ट्रेडिंग करते हैं, हाँ है ना। कंपनी वही है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वही है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, ट्रेडिंग को तो दलाली कहा करते हैं। और हमें दलाली करने की आदत नहीं है, इसलिए एसलीपीएस वेलनेस सारे प्रोडक्ट खुद बनाती है, इसलिए उनमें क्वालिटी आती है। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट की बहुत डिमांड थी, पूरे हिंदुस्तान से लोग त्राही त्राही मचा रहे थे, सर केमिकल पेस्टिसाइड से थोड़ी मदद मिलेगी, फसलें अच्छी होगी, प्लीज लाओ, प्लीज लाओ, प्लीज लाओ। 7 साल हो गए लोगों को चिल्लाते हुए, मैं नहीं लाया। मैंने कहा उस दिन लाऊंगा जब मैं कंफर्म हो जाऊंगा मेरे प्रोडक्ट में रिजल्ट है, क्योंकि बात किसान की है और किसान इस देश की सबसे बड़ा गहना है, सबसे बड़ा सोना है। किसान के साथ नहीं कर सकते,
किसान के साथ तो वो सेंसिटिव तरीके से चलना पड़ता है क्योंकि हमारे देश का सबसे गरीब तबका है, यस और नो? लेकिन हिंदुस्तान के किसानों सुन लेना, जहां 5 क्विंटल होती थी 6 क्विंटल होगी, जहां फसल मरती थी वहां जिंदा रहेगी। मैं दे रहा हूं एसलीपीएस वेलनेस की तरफ से आज अपने किसान भाइयों के लिए 4 प्रोडक्ट, उठा दे पर्दा, आओ मामचंद जी, महिपाल सर आओ, शिव कुमार जी आओ, रामवीर जी आओ, आओ आओ आओ, वैदिक एग्रो 90 प्रोडक्ट लॉन्च होता था, आवाज ताली आवाज, किसान का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट पीजीपीआर, हर फसल में काम आते हैं, हर फसल में किसी में भी डलवा देना, फसल टॉप क्लास होंगी, मेरा वादा है। इको हरियाली तीसरा प्रोडक्ट, और ये भूमिटा भूमि में मिक्स होता है, और जो भूमि बंजर होती है वो भी फसल देने लग जाती है। चार प्रोडक्ट हो गए। मुझे ज्यादा म्यूजिक का शौक है, मुझे बोलने दे भाई, थम जा, इधर प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, अपने म्यूजिक में लगा हुआ है यार, कमाल आदमी है। उसके बाद अभी आपको पता है हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है जो मैं रोज देखता हूं, 40-40 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, 42-42 साल में लोग चले जाते हैं, पता ही नहीं चल रहा लोग कैसे जा रहे हैं, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट आता है। और कार्डियक की दुनिया का सबसे अच्छा जो प्रोडक्ट होता है, कार्डियक में जो हमारे हमारे ग्रंथों में लिखा है, हमारी किताबों में लिखा है, हमारे चरक संहिता में लिखा है, उसका नाम है अर्जुना एक्सट्रैक्ट, अर्जुना जड़ी बूटी आ गई है, एक्सट्रैक्ट है, हार्ट हमेशा हेल्दी रहेगा आपका। उसके बाद ज्यादातर बीमारियां क्यों हो रही हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है, फैट बॉडी में ज्यादा है, हाँ ना, यस और नो? तो ये आ गया आपके लिए ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट। चाय नहीं पी जाती ग्रीन, बहुत से लोग होते हैं ग्रीन टी नहीं पी जाती, चाय अच्छी लगती है, आप ग्रीन टी का कैप्सूल खाओ, वजन घटाओ। ग्रीन कॉफी बीन, ये दुनिया की सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट होता है, वेट लूजर होता है, और वेट मैनेजमेंट करता है, मेटाबॉलिज्म मैनेजमेंट करता है, हार्ट के लिए बहुत हेल्दी होता है। ग्रीन कॉफी बीन आप गूगल पे डाल के देखना, इसकी क्वालिटीज देखना, इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स है देखना, ग्रीन कॉफी बीन कितना बड़ा काम करता है। ये भी आ गई है, हो गए सारे, साबुन दो पहले, ये लास्ट में बताऊंगा खास चीज। ये तीसरी साबुन भी आ गई है भाई, नीम तुलसी कैसी है, आवाज नहीं आई, नीम तुलसी साबुन कैसी है, जानदार? और ग्लिसरीन, वो उससे भी जानदार, जो बाजार में बेच रहे हैं वो पीसे शुरू होते हैं, उससे बढ़िया है नहीं? अरे जो बाजार में बेच रहे हैं पीसे शुरू होते हैं, पूरा नाम नहीं लूंगा साले, केस कर देंगे, उससे बढ़िया है नहीं? अब बाजार में सर्दियों की एक साबुन आती है जो डी से शुरू होती है, समझ गए? तुम लोग बोल सकते हो, मैं नहीं बोलूंगा, हाँ, डी से शुरू होती है, डी से सर्दियों में लगाई जाती है, समझ गए? उसकी बाप आ गई है, ये क्रीम बार आ गई है, सर्दियों की साबुन। अरे हम तो कहते हैं हम पे भरोसा मत करो, अगर अपनी जिंदगी हमारे साथ लगानी है 50 रुपए का खर्चा कर लो, जिंदगी
का फैसला अगर 50 रुपए में हो जाए कि सही है गलत है, एक साबुन यूज कर लो। अरे एसलीपीएस कहती है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये है भाई थोड़ा सा अलग प्रोडक्ट है आजकल के मर्दों के लिए। आजकल के मर्दों की थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा रहती, इतने से समझ लो, ज्यादा नहीं समझाऊंगा, मां बहने बैठी हैं, वो इतने समझ लो। टेस्टो फास्ट एक हार्मोन होता है हर मर्द के अंदर, टेस्टोरोन। वो हार्मोन आजकल सभी के बड़े वीक होते हैं, तो मसल्स पावर नहीं रहती, एनर्जी नहीं रहती। गारंटी है, एक महीना खाएगा एक बार, मांगेगा बार बार। एसएलपीएस वेलनेस में कारें हो चुकी है, पता है आपको, हर हफ्ते कार आती है, हर दिन कार आती है, तो लोग देखना चाहते हैं कितनी कार है। तो अब जो आपकी एफएसएस किट आएगी उसमें कार बुक आएगी विद स्टोरीज, जितने कार अचीवर है सबकी स्टोरीज के साथ, जिससे आप लोगों को दिखा सको। तो दोस्तों जब तक रिकॉर्ड तोड़ेंगे नहीं घर छोड़ दो, बस घरों से बाहर हो जाओ। सबसे बड़ा पंगा हमारा घर है, यस और नो? घरों से बाहर हो जाओ, घर छोड़ दोगे तो रिकॉर्ड भी तोड़ दोगे। तोड़ने घर छोड़ने को तैयार हो? और भाई जाते जाते एक बात, कड़वी बात, नेगेटिव होके हमारी कंपनी में काम मत करना। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, इतना बढ़िया एमडी तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ना नेगेटिव आदमी पॉजिटिव जिंदगी नहीं जी सकता। आई एम सॉरी, इट्स फैक्ट। क्या होगा कि मैं आपको कहूं आप नेगेटिव होके भी लगे रहो तो आपका जो दूसरा कैरियर है वो भी खत्म हो जाएगा, और मैं चाहता नहीं, मेरे फायदे और मेरे भले के लिए मैं नहीं चाहता कि आपका दूसरा कैरियर खराब हो के ये कैरियर में भी आप खराब कर लो और वो भी खराब कर लो। नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव, नेगेटिव व्यक्ति पॉजिटिव काम नहीं कर सकता, ये हमारी किताबों में लिखा, साइंस बोलती है माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, है ना? मैथ बोलता है माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। 99% आप पॉजिटिव हो और 1% नेगेटिव हो आपकी जिंदगी नहीं बन सकती। आई एम सॉरी, 100% पॉजिटिव। ब्लाइंड बिलीव करना, जैसे परमात्मा पे भरोसा करते हो ऐसे इस प्लेटफॉर्म पे भरोसा करना, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म परमात्मा ने तुम्हें दिया है। वर्क इज वर्शिप। जब मंदिर मस्जिद में मांगने जाते हो ना कि भगवान अच्छी जिंदगी दे, तो भगवान साथ में पैसे नहीं देता, अच्छी जिंदगी जीने का रास्ता देता है, और वो ये रास्ता है। अगर उसने दिया है तो इस रास्ते पे भरोसा करो, ये भगवान ने दिया, इंसान ने इंसान को नहीं दिया। बहुत सारे लोगों को हम समझाते हैं वो हमारे साथ नहीं आते ना, नहीं आते ना, क्योंकि भगवान उन्हें देना नहीं चाहता, तुम्हें दिया है। ब्लाइंड बिलीव, 100% पॉजिटिव। एक कहावत सुनी है, फिश ऑफ सेम फिन स्विम टुगेदर, एक जैसी मच्छी साथ तैरती हैं, कौवा कौवा के साथ उड़ता है, चिड़िया चिड़िया के साथ उड़ती है, बाज बाज के साथ उड़ता है, कौवा और चिड़िया साथ नहीं उड़ते, समझ गए? तो नेगेटिव पॉजिटिव लोग साथ नहीं रह सकते, नेगेटिव पॉजिटिव लोग साथ नहीं रह सकते। मैं कहता हूं 5 साल दो बस, तैयार हो? कितने साल? हाथ खड़ा करो 5 साल का। 5 साल दोगे? बस 5 साल, 5 years ओनली। पॉजिटिव होके लगे रहना, क्या होगा? 100% पॉजिटिव रह के 5 साल, देखो छोड़ने को तो तुम यहां से निकलते, छोड़ दो। मैदान से बाहर आने के बाद हार पक्की है, मैदान में डटे रहने से जीत की उम्मीद बची हुई है। मैदान छोड़ दिया तो बाहर बैठ के ताली बजाने के सिवा कोई काम नहीं है। खेलते रहोगे तो कोई ना कोई बोल आएगी, एक बोल में ही तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। 5 साल खड़े रहना, डिगना मत। धंधा हो, कम हो, ज्यादा हो,
अच्छा हो बुरा हो पांच साल तक, पता नहीं व्हेन यू गेट द बिग ब्रेक यू डोंट नो। दुनिया में आज तक किसी को नहीं पता किसको कब बड़ा ब्रेक बनेगा। मोदी जी को नहीं पता वो प्रधानमंत्री बनेंगे, किसी को नहीं पता था अरविंद केजरीवाल को नहीं पता मुख्यमंत्री बनेगा। व्हेन यू गेट व्हेन विल यू गेट द बिग ब्रेक यू डोंट नो। अपनी डेस्टिनी में कल क्या लिखा है किसी को पता नहीं है। पांच साल तक खड़े रहना, पांच साल तक छोड़ना मत, मैं कहता हूं बुरी बात। अगर कुछ नहीं हुआ तो पांच साल में तो क्या हो गया यार, जैसे कल थे ऐसे तो जीवन भर रहोगे। जो आज लाइफ स्टाइल है वो तो हमेशा रहेगा। अभी कौन से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लग रहे हो, पांच साल में कुछ नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जिंदगी आज है वो पांच साल भी रहेगी, लेकिन एक बार सोचना कुछ हो गया तो। पीढ़ियों की पीढ़ियां तुम्हें याद रखेगी। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। भगवान परमात्मा अल्लाह गॉड वाहेगुरु से दुआ करता हूं कि आप सबकी हिम्मत आपका जज्बा बरकरार रखे, आप सबको पॉजिटिव रखे, आप सबकी नजरिया पॉजिटिव रखे और आप सब टिके रहो और ऊपर वाला चैलेंज फेंकता रहेगा, तुम चैलेंज लेते रहो और जीतते रहो और आगे बढ़ते रहो और क्रूस पे घूमते रहो। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। पूरे भारत के सभी लोगों का बहुत बहुत नमन, हाथ जोड़कर थैंक यू सो मच। भारत से जितने भी लोग देख रहे हैं भाई, थोड़ा स्पीच का टाइम लंबा हो गया था क्योंकि आज थोड़ा गर्मी जाते थी सात साल की, तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, लव यू। एक बार जोरदार तालियां एवरीवन फॉर आवर मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ। और अब इस सेलिब्रेशन को हम केक कटिंग के साथ आगे बढ़ाते हैं और मैं आमंत्रित करती हूँ AWBL के वो सारे बैकएंड स्टाफ जिनकी मेहनत और लगन की वजह से सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है। सो आई रिक्वेस्ट द एंटायर स्टाफ बैकएंड स्टाफ टू जॉइन अस। एट द सेम टाइम हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे एम्बेसडर मिस्टर शिव कुमार जी प्लीज ज्वाइन अस। वी रिक्वेस्ट अनुज शर्मा जी प्लीज ज्वाइन अस। वी रिक्वेस्ट मिस्टर अमित दुबे और क्राउन डायमंड मिस्टर दिलीप सिंह जी। वी रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज ज्वाइन अस। मिस्टर कृणाल जाधव, स्वस्थ बनाया सबको,
कंग्रेचुलेशंस एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत बधाई 7 वर्ष पूरा होने के लिए, और तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आप सभी का कि आज के इस कार्यक्रम में आप सभी ने शरीक होके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और आप सभी परिवार का सदस्य हैं, इससे AWBL की शोभा बढ़ती है। तो चलिए डिनर के साथ समापन करते हैं। आप सभी से अनुरोध है क्यों मैं आराम से डिसिप्लिन के साथ अपना भोजन करें। शुभरात्रि, शब्बा खैर, विद दिस आई काव्या साइनिंग ऑफ। उम्मीदों के आसमान पे इसने पहुंचाया सबको अपने बेहतर उत्पादों से।